इस वक्त हम उतरौला विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये बलरामपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर हम ये जानने के लिए आए हैं कि दरअसल यहाँ किसका माहौल चल रहा है, क्योंकि लगातार MIM बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लगभग 70% आबादी उतरौला विधानसभा क्षेत्र में, तो दो मुस्लिम कैंडिडेट हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसका पलड़ा भारी है। तो थोड़ा सा हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे शुरू करते हैं, आप बहुत सम्मानित सा लग रहे हैं हमें, मुझे अपना नाम बताइए। जमील अहमद। जमील साहब, किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? मैं तो समाजवादी का लग रहा है। समाजवादी पार्टी जी। तो समाजवादी पार्टी से हसीब खान के बारे में कहा जाता है वो पैराशूटेड हैं, यहाँ के हैं नहीं, बाहरी हैं। तो बाहरी लोगों पर यहाँ के लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं? बाहरी लोगों के ऊपर भी नया चेहरा है, ठीक है, जैसा भी रहेंगे ठीक रहेंगे इंशाल्लाह, और समाजवादी इंशाल्लाह जीतेगी भी। अच्छा जी। और MIM का यहाँ लोग कह रहे हैं कि MIM जीतेगी? नहीं, MIM वो नहीं जीतेगी, MIM का कोई वर्चस्व नहीं है जी। नहीं। ओके ओके। अंकल आपका क्या नाम है? अलाउद्दीन। किसका पलड़ा भारी लग रहा है उतरौला विधानसभा में? साइकिल वाला। साइकिल वाला ही। तो हसीब खान साहब जीत जाएंगे यहाँ? नहीं तो है, लेकिन मुसलमान बड़ी संख्या में यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में है। नहीं नहीं, मतलब दो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, डॉक्टर मन्नान साहब MIM से हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वोट बढ़ जाएगा तो कैसे गड़बड़ नहीं हो जाएगा फिर से राम प्रताप वर्मा जीत न जाए? कुछ तो जावे करी, लेकिन यह है कि उम्मीद ज़्यादा साइकिल का है। आपको क्या लगता है किसकी उम्मीद लग रही है? MIM की। और ये जो चचा कह रहे हैं साइकिल की, अरे अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसका माहौल लग रहा है सर? ऐसा है भाई साहब, ऐसा ये भाई साहब का कोई परंजल होएगा या रिश्तेदारी होएगा, और हम लोग 2017 से जुड़े हैं MIM के ऊपर, बालेश्वर असदुद्दीन MIM के, और पहली बात ये लोगों ने हमको डर दिखाया। अच्छा, किसने? सपा ने हमको डर दिखाया 25 साल, उसने राज किया, यादव को नौकरी दिया, उसके पहले कांग्रेस ने डर दिखाया भाजपा को, तो वो लोग जो ठाकुर बाबर वो लोग नौकरी में गए, मायावती ने डर दिखाया, तो ये लोगों ने चमारों को दलितों को भर दिया नौकरी में, हम लोग के हाथ में एक ठेलिया दे दिया, कटोरा दे दिया, चौराहे के अंदर देख लो सब मुसलमान है, कोई ठेला कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चना बेच रहा है, और ये लोगों ने नौकरी में हो गया, लेकिन इन लोगों का अभी माइंड अभी पढ़ना है तो खचका नहीं है, जब पढ़ाई किए नहीं है तो इन लोगों को क्या तहजीब तरीका आएगा? हमारा बालिस्टर आया है, अब हम उसके झंडे के नीचे चल रहे हैं, हमारा बालिस्टर साहब जो कह रहे हैं कि डरो मत, खुदा को डरो, ये लोग डरने वाले खुदा को, ये लोग खुदा से नहीं डरते, इंसान से डरते, सापा बसपा से डरते हैं, भाजपा से डरते हैं, ये लोग भाजपा से डरते हैं, हम लोग भाजपा नहीं, भाजपा का बाप आ गया है, हमारा बालिस्टर साहब भाजपा का बाप है, वो लड़ाई लड़ रहा है लोकसभा में, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ हैं, हम गीदड़ों के साथ में नहीं रहेंगे, गीदड़ों के साथ में नहीं। किसको बोले? सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये गीदड़ है सर। ये क्या बोले? ये उनका अपना ख्याल है, आवाज नहीं उठाते, अपना ख्याल है, हमारी आवाज ये लोग नहीं उठाते। अभी ये आएगी भी नहीं, भाजपा अपना काम करेगी, तो भाजपा को हटाने के लिए पहले सपा को लाना जरूरी है, उसके बाद सबसे करते हैं भाजपा को हटाने के लिए पहले सपा लाओ, उसके बाद हम लोग MIM में आएंगे, अभी तो कुछ नहीं। हटाने लिए खाली मुसलमान का ठेका है, दलित कहाँ गया? दलित से पूछे भाजपा को हटाने के लिए तैयार है, सपा का है, यादव कहाँ गया? यादव से पूछिए क्या भाजपा को ले उठाओ हटाने के लिए ठेका लिया हो क्या? तो तुमको दौड़ा लेगा वो। अभी हम यादव के एक महल में पुरैना बुलंद एक जगह है, वहाँ हम गए हुए थे, और यादव और आधा घर गाँव पासवान है, यानी कह सकते हैं दलित, तो दोनों लोग BJP को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से यादव यानी BJP को वोट दे रहे हैं, उनका जो बिरादरी है वो BJP को वोट दे रहा है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमानों से हमें वोट दो, यानी अपनी बिरादरी को संभाल नहीं पा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं कि हमें वोट दो। यादव मुसलमानों को डर पैदा कर रहे हैं, डर। अब उनका देखो ऐसे हर जगह यादव उसपे नहीं है कि BJP से ही है, हमने नहीं वोट दिया, सपा में है, अब की ज़्यादा लोग आए हैं, सब जो है ये यादव बिरादरी ज़्यादा आए हैं, कुछ हरजन भी आए हैं, ज्यादा नहीं आए लेकिन हरजन कुछ आए हैं। चलिए, लेकिन हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में है, सुनिए, 7% यादव ये ठेका ले लिए हैं CM बनाने का, 22% मुसलमान ये ठेका ले ले झाड़ू लगवाने का, ये ठेका लिए झाड़ू लगवाने का, दरी बिछाने का, ये कौन से किताब में लिखा है ये पूछिए इनसे, अगर ये अपने नस्लों को अगर ये झाड़ू लगवाएंगे तो इनका नस्ल क्या कहेगी,
कि हमारे बाप ने ऐसा काम किया तो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। मेरा बेटा झाड़ू नहीं लगाएगा। दरी ये बोले मेरा बेटा झाड़ू नहीं लगाएगा, मेरा बेटा दरी नहीं बिछाएगा। ये जो बार बार असुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों को कह रहे हैं कि दरी बिछाएं, कब तक तुम दरी बिछाओगे किसी और की? कहने दो, इसे उनका अपना ख्याल है और हमारा अपना ख्याल है कि पहले भाजपा मुक्त करो, उसके बाद फिर हम लोग सब इकट्ठा हो पाएंगे। भाई साहब ऐसा है, ऐसा है, ये कहने भाजपा मुक्त करो, एक कीड़ा होता नाबदान का, वो कीड़े को बाहर को वो नाबदान में ही जाएगा, वही वाली मिसाल है, बात समझ लीजिए। जमीनी स्तर पे आज के दौर में हाजी असदुद्दीन ओवैसी के जैसा लीडर आज तक कोई नहीं है जमीनी स्तर पे जो काम करता है। और दूसरी बात जो है ना, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसा है किसी मजहब से समझे बैर नहीं रखते हैं, ठीक है, हर मजहब को समझे वो लाइक करते हैं। आपके हिसाब से ओवैसी डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब यहाँ जीत सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहेगा तो जीतेंगे, और जीता हुआ है। और दूसरी बात जो है ना, जमीनी स्तर पे समझे घर से लेके रोड से लेके समझे संसद तक आवाज उठाने वाला कौन है? असदुद्दीन हाजी साहब, उसके अलावा कोई भी जो समाजवादी पार्टी के हम सपोर्टर से बातचीत करेंगे और भी बहुत सारे हमारे मुंह खोल नहीं रहे, इनके दिल में मोहब्बत है, ठीक है, अरे ठीक है, खोल नहीं रहा, कुछ मजबूरी है, नहीं नहीं कोई किसका किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा तो असदुद्दीन का भारी लग रहा है। और जो लोग समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी कुछ लोग जानते होंगे, पैसा सब चल रहा है और इंशाल्लाह समाजवादी क्या नाम है MIM जीतेगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और कर लूं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं एक सवाल कर लूं। अभी भाई साहब ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं पार्लियामेंट में, और ये बात ठीक है, मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली वो मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, तो ये बात तो सही है, ये बात तो उनके सही कह रहे हैं। आप भी सुनते होंगे मुसलमानों के मुद्दे वही उठाते हैं, और समाजवादी पार्टी ने CA का एक तरीके दे दिया था एक तरीके से BJP को, यानी वो वहाँ से सदन से वॉकआउट कर गई थी, और वॉकआउट करना एक तरीके से साइलेंट समर्थन माना जाता है, तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी का तो चेहरा कुछ दूसरी तरीके का है, तो फिर मुसलमानों के सिलसिले में वो क्यों कहती है कि हमें वोट दो, जब मुसलमानों के मुद्दे पर वो खुल करके बोल नहीं सकती है? और इसके अलावा अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हिजाब के इशू पर जब एक मीडिया ने सवाल किया उनसे अखिलेश यादव से, और वो कह रहे थे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ नहीं आ रही है, तो बताइए कि अगर अभी समाजवादी की सरकार नहीं बनी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, सफाई में रंडियों को ना उसको दिखाई दे रहा था, सही है, सही है, सही भाई, मैं नाम दिखाई रहा था, मुझे पतंगा का तंगा भी नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे हैं कि हिजाब के इशू पे उनको सुनाई, एक मिनट, वो कह रहे हैं हिजाब के इशू पे उनको सुनाई नहीं दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि अभी सपा की सरकार नहीं बनी तब मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, सपा की सरकार बन जाएगी तब क्या हाल होगा? सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी, सपा काम करेगी, मुसलमानों के काम करेगी। आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है, ओके, मुझे उम्मीद है, ये CA सबके काम करेंगे। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल, हम सारे लोगों से बातचीत करेंगे। ये किसका माहौल चला, बड़े बहुत सादा सादा आप नेताओं का ड्रेस पहने हुए हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, नेता तो नहीं है ना आप, एक आम इंसान है। चलिए मुझे बताइए, हम तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उतरौला विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है। देखिए, अभी फिलहाल तो जैसे एक नेता तो यहाँ से है नहीं उतरौला से, उनका खुद का वोट यहाँ उतरौला में नहीं, और हमारे जो है डॉक्टर मन्नान साहब 10 साल से यहाँ पे बराबर पब्लिक के बीच में चल रहे हैं, तो इस टाइम मतलब BJP में और मतलब डॉक्टर मन्नान साहब में। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं, अब्दुल मन्नान साहब भी तो यहाँ के नहीं, यहाँ के नहीं, लेकिन 10 साल से कंटिन्यू मतलब तो गड़बड़ हो, जनता के बीच में वो चल रहे हैं, और मतलब उनका दो दो तीन तीन सेंटर चल रहा है यहाँ पे, वो बराबर हर हफ्ते उतरौला, हफ्ते में दो मतलब उतरौला आते हैं, ओके, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि प्रैक्टिकली मुझे बताइए, छोड़िए वो इमोशनल बातें, छोड़िए, प्रैक्टिकली बताइए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अगर एक दो सीटें निकाल करके लेके चले जाते हैं सदन में, और BJP एक तरह से रिपीट कर जाती है, जो कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मान लो एक दो नहीं, मैं समझता हूँ 10-15 सीटें अगर असदुद्दीन ओवैसी की निकल जाती है MIM की, और BJP दोबारा से रिपीट कर जाती है, तो पिछले 5 सालों में मुसलमानों को लेकर के BJP ने जिस तरह का रवैया रखा है, फिर दोबारा से अगले 5 सालों तक वो करेंगे, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, BJP से वैसे तो हर लोग परेशान है, चाहे BJP वाले हों या मतलब सपा वाले हों, बसपा वाले कोई भी है, कोई खुश नहीं है उनसे, सब परेशान है, लेकिन ऊपर से दिखावट में मतलब BJP की, अब BJP वाले तो उनका प्रचार करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन BJP से कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं। इसमें बताइए, सवाल को आप काउंटर कैसे करें? तेलंगाना में 7 सीट है, 7 सीट पे लड़ते हैं, 7 सीट पे मुसलमानों को क्या दिलाते हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सब दिलाते हैं ना, ऐसे ही हमारे बालीचा साहब से उत्तर प्रदेश लखनऊ विधानसभा में इंशाल्लाह एक कामयाबी मिलेगी, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को फ़ायदा मिलेगा,
स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई भी मिलेगा, और सब धर्म के लोग वहाँ पर आप देख लीजिए हैदराबाद में, खाली मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं, हर बच्चे पढ़ते हैं। देखिए नौजवान है, देखिए नौजवानों को भावनात्मक बातें बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। देखिए जिस तरीके से बीजेपी का आपने नारा सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है, वो हिंदुओं को अपील कर रहे हैं। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर होकर के बोलते हैं और बहुत ही भावनात्मक अपील करते हैं, है ना। और मुझे एक बात बताइए, क्या भावनात्मक बातें करने से, केवल भाषण देने से चुनाव जीता जा सकता है? जज्बाती बातें करने से क्या वाकई में चुनाव जीता जा सकता है? आप एक नौजवान हैं, मुझे बताइए कि आप लोगों का पूरा भविष्य अभी दांव पर लगा हुआ है, तो केवल जज्बाती बातें करने से आप वोट दे सकते हैं? जो विकास करेगा हम उसको लाएंगे, चाहे सपा हो चाहे वो और वैसी दिन वैसे लीडर अच्छे हैं, पर अभी आएगी सपा। बोलते अच्छी बात है, साफ बात बोलते हैं, मगर अभी यहाँ पर जो लहर है वो आएगी सपा, और पूरे बहुमत से आएगी सपा। और वैसे भी विकास की बात करें तो विकास करा है अखिलेश यादव ने, इसमें कोई वो नहीं कर सकता। आप लखनऊ में देख लीजिए, डायल हंड्रेड, 1090, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप सबको पता है, आगरा एक्सप्रेस से लेकर हर चीज़ जो उन्होंने करा है। फिलहाल एक चीज़ लतीफ़ साहब हम आपसे थोड़ा सा समझेंगे, एक मिनट ये समझेंगे कि दरअसल ओवैसी साहब के बारे में कहते हैं कि 2017 में चुनाव लड़े थे और उनको ज़ाहिर है जब 2022 में भी लड़ना था, 5 साल बहुत समय होता है, उनको चाहिए था कि अपना काडर बनाए स्टेट लेवल, जोनल स्तर पर, मंडल स्तर पर, ज़िला लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर, इस तरीके से आप अपना कैडर मजबूत करें तब चुनाव लड़ें। क्योंकि चुनाव में क्या होता है, 2 दिन 4 नहीं होता है, चुनाव में हमेशा 2 दिन 5 होता है, और ये 2 दिन 5 का जो गणित होता है ना, ये बड़े बड़े जो चुनावी कहते हैं पहलवान होते हैं वही समझ पाते हैं, और आसानी नहीं होता है 2 दिन 5 को समझना। तो आप मुझे बताइए कि इतना आसान तो है नहीं भावनात्मक बातें करके चुनाव जीतना? आप पत्रकार साहब हैं, आपसे बेहतर हम लोग नहीं जान सकते, आप पूरा मतलब यूपी चलते हैं। अभी 5 साल की बात जो आपने कहा परेशान के तरीके से, उसमें ओवैसी साहब है, ऐसा नहीं है, 5 साल तक उनके जितने भी कार्यकर्ता थे वो मतलब मेहनत से काम किए क्षेत्र में, और आज के डेट में जैसे प्रदेश अध्यक्ष साहब हाजी शौकत अली साहब, शौकत अली साहब ने बहुत मेहनत किया उत्तर प्रदेश को, उन्होंने जिस तरीके से मतलब MIM के कोई नहीं जानता था 2017 में, आज के डेट में कोई भी उत्तर प्रदेश का कोना आप ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, हर आदमी के जबान पे MIM का नाम, जानना अलग चीज़ है, सुनिए मेरी बात, जानना अलग चीज़ है। सवाल सीट की तो 15 से 20 सीट 25 तक हो सकती उत्तर प्रदेश में MIM की आ रही है, और MIM में अगर मतलब जो है जैसे गवर्नमेंट अगर बनाने की जैसे अखिलेश यादव को जरूरत पड़ी तो ये हमें इतना में उम्मीद है मुझे कि ये मतलब MIM मतलब असदुद्दीन साहब वो सपोर्ट कर देंगे। अच्छा मान लीजिए कि अगर सपा को जरूरत न पड़ी तो एक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक भी इररिलेवेंट हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से बाईपास कर दिया जाएगा, उनको लग जाएगा कि एक बार तो अपनी ताकत आजमा के देख चुके, अब कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी सूरत में उनको बाईपास कर दो, अब आसानी के साथ चुनाव लड़ो। लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ी तो एक बात और है सर, इस टाइम अखिलेश यादव ने मुसलमानों का किनारा किया, ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसलिए कि हिंदुओं को खुश करो, वोट मुसलमान के सबसे ज्यादा 22% 23% मुसलमान है, ठीक है, 7% 6% यादव है, उनको यादव के ऊपर भरोसा है, हर पार्टी के ऊपर भरोसा है, 2-2% 1-1% वालों को लेके उन्होंने गवर्नमेंट में अपना लिया, मतलब अच्छी खासी सीट दिया मुसलमान के। आज मतलब जो 25% 22% होके इनके निगाह में क्या मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है? मुसलमानों की ही ओर से तो आज तक इन्होंने 4 मरतबा गवर्नमेंट बनाया, 4 मरतबा मायावती ने बनाया, 4 मरतबा इन्होंने बनाया, तो हमेशा मुसलमान मतलब जो इनके लिए किया, इन्होंने क्या किया मुसलमान इनके वोट बैंक है क्या? कब तक वोट बैंक बने रहेंगे? ये कह रहे हैं कब तक मुसलमान दरी बिछाएंगे? अगर ओवैसी की भाषा में बोले तो पहले बाबा का दादागिरी खत्म करा जाए हमरे, जो बाबा हैं, बाबा नहीं वो दादा हैं, बाबा नहीं है दादा हैं, और आजम खा घायल अवस्था में बैठे हुए हैं कि कब उन्हें मौका मिले, कब बाबा का दादागिरी खत्म किया जाए। जो मैंने सवाल किया था जिस तरह डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब से, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने मुस्लिम क़यादत को यानी लोकल मुस्लिम क़यादत को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया? आप हैदराबाद से आते हैं और यहाँ आकर के अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं मुस्लिम क़यादत को बाईपास करके, अंततः पीस पार्टी को उन्होंने अपने साथ लाया, लेकिन जब 2 चरण के चुनाव हो गए तब, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की मुस्लिम क़यादत को बाईपास करके असदुद्दीन ओवैसी अपनी यहाँ जगह बना सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबके साथ मिलने के लिए चलने के तैयार है। डॉक्टर अयूब साहब जो है वो मिले, हाँ ये अलग बात थोड़ा देर आए, लेकिन जो है उन्होंने किसी को नज़रअंदाज नहीं किया है। और रही बात मुस्लिम क़यादत की,
तो मुस्लिम क्यादत एक ऐसी है, एक सिर्फ आज जो है MIM है वो वैसी है, वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। लोग सवाल करते हैं कि उनके ऊपर केस नहीं क्यों नहीं बुक होता है, वो इसलिए नहीं बुक होता है वो संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं और एक खुद एक बैरिस्टर है और यूनिटी में एक ताकत होती है आप तमाम जानते हैं। तो उनके साथ आज उत्तर प्रदेश की पूरे भारत की मुसलमान और तमाम वो मजलूम जो अति पिछड़े बहुजन क्रांति जो भी है ये सब लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और यही बात केस की, तो अकबर ओवैसी पे केस हुआ है, उन्होंने जेल काटा है, आज भी मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, उन्होंने गलत वोटिंग बयान दिया था उसके लिए। और रही बात मैं कहूँ समाजवादी पार्टी की, अखिलेश सरकार की, 2012 में अखिलेश सरकार बनी, उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनी मैं मुख्यमंत्री बना तो मुसलमानों को मैं 18% रिजर्वेशन दूंगा, लेकिन उनकी सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने लेकिन रिजर्वेशन तो नहीं दिए, उन्होंने 2013 के मुजफ्फरनगर के नाम पर दंगा दिया और मुसलमानों को लाखों मुसलमानों को काटा मारा और 50,000 मुसलमान बेघर हुए। प्लान किया आज भी वो घर पे बस अपने घर पे जा नहीं पा रहे और हमारी माँ बहनों की अजमत रेजी हुई, तमाम लोगों को लूटा मारा गया। ये सब संघ परिवार के हिस्सा है, याद रखो ये लोग। आप एक मुझे एक जनता से सवाल है मतरोला कि ये जो तमाम लोग जो सपा कैंडिडेट थे आवेदक थे जो जिसको टिकट चाहिए था ये बताओ अखिलेश का हाथ नेता तो नहीं है आप नहीं, 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 नहीं मैं यहाँ का आवाम हूँ, मैं आवाम के मैं एक सवाल सच्चाई कह रहा हूँ, मैं सच्चाई ये है कि ये हाथ पर दबा के अखिलेश साहब टिकट लेके आते हैं तो ये क्या जीत के जाएंगे तो क्या हमारे हित की बात करेंगे, ये नहीं करेंगे। अखिलेश बैठेगा, अखिलेश बोलेगा बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, किसी की हिम्मत नहीं कि अखिलेश साहब कोई आँख जबान खोल दे, कोई नहीं जबान खोल सकता। सिर्फ बहरूपियों को लात मारो, आपकी कयादत आई है, आपका प्लेटफॉर्म आया है, आपका ओवैसी आया है, आप जो अपने सीने पे गोली खाने को तैयार है तो आप सब उनके साथ खड़े हो जाइए। आप किसी को मत देखिए, ये कोई काम के लोग है ही नहीं आपके, कोई काम के लोग आपके नहीं है, ये आपको लूटने हैं, ये छल ये सब दलाल है, ये सब दलाल है, ये अपने फायदे के लिए अपने जेब भरने के लिए काम करते हैं। आज आप बताओ आज उतरौला का क्या हाल है, इन्होंने हमारे साथ क्या किया बताओ जो है। और जो मैं जो हमारे मुसलमान भाई कह रहे हैं कि MIM आई है वोट काटने, तो मेरा उनसे सवाल है, MIM तो उसको एक लोकतांत्रिक अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किया है वो आई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस और सपा ने गर्दन काटा हमारा, बिल्कुल बेशक। तो आप गर्दन काटने वाले को वोट दोगे कि आपका जो भाई आया है आपको उसको वोट कटवा कहोगे? तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमें यहाँ यहाँ पर ये बहुत हम एक रफ सर्वे थोड़ा सा हम एक रफ सर्वे करते हैं। दरअसल ये हमारे अतीत सामने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया बिल्कुल नेताओं के तरीके से, तो मैं आपकी जज्बात समझता हूँ बिल्कुल। हम एक छोटा सा रफ सर्वे कर लेते हैं, दो लोग समाजवादी पार्टी के थे वो चले गए ऐसे ही समझते हैं। सर किसका पलड़ा भारी लग रहा है भाई? इसी बस जल्दी खटाखट बता दीजिए। पूरे यूपी में समाजवादी की लहर चल रही है। किसका किसका मामला? उतरौला में, उतरौला में किसका मामला चल रहा है? यहाँ पतंग 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 किसका? पतंग है भाई, पतंग है यहाँ पे, पतंग है, पतंग 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 उड़ेगा, पतंग पतंग उड़ेगा इंशाल्लाह, पतंग पतंग उड़ेगा इंशाल्लाह। सपा सपा MIM तुम्हारा तो वोट ही नहीं है। पतंग 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 उड़ाओ जोरों से, पतंग उड़ाओ जोरों से, उतरौला बचाओ मोबाइल चोरों से, MIM पार्टी जिंदाबाद। बेसिकली ये देखिए हम उतरौला के विधानसभा क्षेत्र से आपके सामने उपस्थित थे, हम तमाम विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, बस एक आखिरी चरण बचा हुआ है इसके बाद, यानी सातवां चरण बचा हुआ है, इसके बाद हम गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर जाएंगे, कुशीनगर जाएंगे और दूसरे उस इलाकों में जाएंगे सातवें चरण में, फिर वहाँ से हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और दिखाएंगे कि दरअसल उन तमाम विधानसभाओं पर किसका पलड़ा भारी है और किसका मामला चल रहा है। उतरौला विधानसभा से ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आजाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।